जो नाव से गए थे ना, तो अभी पानी कम हो चुका है, इसीलिए पैदल पैदल जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कल का वीडियो मैंने यहीं पर दी एंड कर दिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका था, जिसके कारण मुझे वीडियो को यहीं पर दी एंड करना पड़ा। तो आगे का वीडियो मेरा यहीं से शुरू होता है। तो चलिए वीडियो का एंजॉय कीजिए, और बहुत ही ब्यूटीफुल जो व्यू है आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। बहुत ब्यूटीफुल है, तो देखिए किस तरह से नाव को चला के ले जाते हैं। हंसबे तो निश्चय डूबने तक पानी है ना बाबू, वो आ रहे हैं उसमें। तो कैसे हमने सोचा, বাবু সবসে জল ঢুকে গেছে। এ কত করে ভাড়া গো? 20 টাকা করে নিচ্ছে শুধু যাওয়া। হ্যাঁ 20 টাকা এখন ছাড়া হবে খালি 20 টাকা। আচ্ছা ওখান থেকে আসার সময় যদি চাই আপনারা শুধু যাওয়া আনবো না। आप चाहे तो इस नदी को पैदल चल के भी पार कर सकते हैं, या नाव के ऊपर बैठ के भी नदी को पार कर सकते हैं। जैसे सुमित ने जींस पहना हुआ है, तो उसका जींस ऊपर नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि नाव के द्वारा हम उस पार जाएंगे। तो इसीलिए हमने अभी नाव पे आके बैठ गई हूँ, और 20 रुपीज़ करके हम दोनों का 40 रुपीज़ ले लिया है जाने के लिए। आने के लिए अलग से लेते हैं। तो चलिए मैं बैठ गई हूँ, आप देख ही सकते हैं नाव के अंदर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और 20 जन के ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेते हैं नाव में। नाव को पार होने के लिए 20 रुपया ले रहे हैं। সব লোক লোক ধান ধরে আসে, সব লোক গান্ধি ভাল পয়সা বাস সব আসে গান। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मैं नाव पर बैठ चुकी हूँ, और नाव को जो माझी है वो धक्का देकर नाव को इस पार से उस पार लेके जा रहे हैं, और मैं पानी को लेकर बहुत अच्छे से खेल रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं समुंदर के बीच से नदी को ऐसे बहते हुए मैंने पहली बार देखा, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। इस समय को मैं कैप्चर करना चाहती थी, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आप सबको, तो इस वीडियो को प्लीज़ इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो, और आगे का बहुत मज़ेदार कुछ किस्सा होने वाला है, जिसको आपके साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड हम इस आइलैंड पर हम पहुंच चुके हैं, और आने के बाद यहाँ पर सब कोई बोल रहे पकड़ के रखिए, क्योंकि इधर बहुत कीचड़ है, जिसके कारण स्लीपर हो रहा है बहुत। तो इसीलिए पकड़ पकड़ के हर किसी को उतार रहे हैं नाव से,
और सुमित को भी उतारा, मुझे भी सेम ऐसे करके उतरे। तो उतरने के बाद सुमित का पाँव में कीचड़ लग गया, जिसके लिए वो धोने के लिए गए, एक पानी था साइड में। उसका गलती से और ज़्यादा ही कीचड़ लग गया, इसके लिए देखिए वो सुमित अभी कहाँ जा रहे हैं धोने के लिए, पाँव में भर। देखिए सुमित अपने पाँव का हालत क्या कह रही है, मत जाओ पूरा और कचरा हो जाएगा। भर के कीचड़ को लेकर घूम रहे हैं, कहाँ जाके वो धोए, मुझे बहुत उसे देखकर हंसी आ रहा है। तो देखिए सुमित, और हर कोई सुमित को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कीचड़ भर के अपने पैर को समुंदर के पानी में धो रहे हैं। और बस यही सब देखकर मुझे हंसी आ रही है, और मैं ये वीडियो इसीलिए शूट करूँ क्योंकि उसे बाद में देखकर उससे भी मैं हंसाऊंगी। बोला था तो देखिए आ गए हैं सुमित, बोला अंडर बनियान पहन के आते तो और अच्छा होता। भागना नहीं पड़ेगा बाबू, ऐसे ही बोलते हैं उन लोग, पैसा नहीं लेगा क्या, तो बोलने दो उसको, और ऐसे बोलेगा नहीं बोलेगा तो टाइम दिया जितना, उतना टाइम में तो हम लोग दो स्किप कर दिया ना, दो तो स्किप कर दिया ना, उसके उसके तो ये में पैकेजिंग में था ना, दो तो स्किप कर दिया, उसके जगह यहाँ पर तो टाइम देना पड़ेगा ना, उन लोग ऐसे ही बोलेगा तो एक पैकेज मिलता है कार बुकिंग करने का, तो उसमें 6 ऐसा क्या बोले स्पॉट्स में ले जाएंगे, जहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं सब कुछ दिखाने के लिए। तो 6 में हम 3 घूम चुके सुबह पैदल पैदल, जिसके कारण उसको स्किप कर दिया, और बाकी जो है वो अभी घूम रहे हैं। तो और कितना जोर से भागेंगे, अरे वो बोल पे रखो, सुमित का अपना पैर का क्या हासिल बना लिया है। वाओ रुकिए मैं दिखाती हूँ कितना अच्छा व्यवहार है जाने का। शिट मेरे पैर में भी बालू आ गया, ये वाइट कलर का रेत है, देखिए नहीं जलेबी नहीं, कौन सा फ्रूट का फ्रूट पता नहीं। वाओ सो नाइस बेबी, देखो यहाँ पर फोटो खींचने में बाबू बहुत अच्छा अच्छा क्लिप मिलेगा। देखो ये है तार साड़ी, ये है एक आइलैंड समुंदर के बीच में, चारों तरफ से समुंदर है, उसके बीचों में एक द्वीप है। बहुत पिक्चर क्लिक करना भला हो, कुछ फोटो शूट कर लेते हैं। ये देखिए रेड क्रैब का क्या बोलते हैं इसका घोंसला, घोंसला यानी क्या बोलते पता नहीं है। पूरा द्वीप देखिए, एक आइलैंड ब्यूटीफुल आ रहा है, और वो देख रहे हैं वहां पर ओल्ड दीघा है, ओल्ड दीघा सॉरी उदयपुर, वो है उदयपुर, हम शाम को उधर जाएंगे, शाम को नहीं अभी। तुम्हें सॉक्स पहन के आने के लिए तो सॉक्स कितना अच्छा होता, लो इसको पकड़ो मुझे वीडियो कर। वो पूरा चीज पहन के आया है, समुद्र में पाँव नहीं भिगा पाएगा। बंदर देखो, बंदर छाप वो।
कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा पता ना पाए बते दिलों की देखो जो बाकी आंखें तुझे समझ आए तू जाने ना देखिए सुमित अपने शूज को खोल कर उधर रख के और खोल के चले आए थे जा रहे हैं भागते भागते शूज को लाने के लिए मैं याद नहीं दिलाता तो उसका शूज वहाँ पर ही रहता अकेला बेचारा तो यहाँ पर ना बहुत पिक्चर क्लिक करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है वहाँ पर गाड़ी भैया है गाड़ी भी पार्किंग में है वो आधा घंटा का टाइम दिया है यहाँ पर घूमने के लिए तो फ्रेंड ये है उड़ीसा में हूँ और ये है तालसारी द्वीप और ऐसे बाइक राइड अप कर सकते हैं 100 में पूरा तालसारी बीच का बाबू नाव वाला ने पूरा जाने का आने का ले लिया क्या आने का ही ले लिया है पूरा आने का सिर्फ 20 रुपया क्योंकि जाने का टाइम पे ये नहीं रहेगा इसलिए वो अच्छा पानी नहीं रहेगा ना तो 100 आप ओ बाइक नहीं बुक कर सकते वहाँ पर कार बुक हुआ है ना तो इसीलिए तो देखिए मेरा पीछे अपना टाइम आएगा दौड़ के मरेगा जल्दी चलो नहीं उधर नहीं जाना है उधर जाना है ना हाँ चलो जल्दी चलो अरे यहाँ पर फोटो क्लिक करूंगी वो ये सब करने के मैं फोटो नहीं क्लिक कर पाऊंगी तो चलिए मैं थोड़ा सा फोटो शूट कर लेती हूँ बहुत अच्छा अच्छा व्यू है यहाँ पर चलो बाय कुछ देर के बाद मिलती हूँ थोड़ा सा इंजॉय तो कर लूँ वीडियो ही करती रहूंगी तो मैं खुद इंजॉय कब कर पाऊंगी सुमित को देखिए हाथों में शूज लेकर चल रहे हैं बहुत सारे फोटो क्लिक किया मैंने ओ, मेरे हेयर का क्या हो गया हालत तो यहाँ पर ये बीच पे ना सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉन है प्रॉन नहीं उसको क्या बोलते हैं बाबू क्रैब्स भरे हुए हैं ये पूरे बीच में उसका अभी निकला नहीं है अभी जो पानी आएगा सब निकला अंदर है तो देखिए ये पूरा बीच है बेचारा हाथों में जूते लेकर घूमना पड़ रहा है ये देखिए यहाँ पर पूरा रेड मेरे चिन्ने चिन्ने पैर तेरे होना अरे गड्ढा खोद रहे हैं देखा तो गड्ढा खोद कर रेड कलर का जो हाँ
नाव ये देखिए प्लान चेंज हो गया है। मैं सोच रही थी उसका एंड में जाऊंगी, तो एंड में बाद में भी जा सकते हैं। बाबू कहाँ गया? बाद में भी जा सकते हैं ना, मेरे हेयर का देखिए क्या होगा, हालत हो गया। हम बीच साइड पे तो जाएंगे ना बैठने के लिए। खोड़ो चौके ना फोड़े वाली है जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ही एक बच्चा है, बोला मैं बालू छोड़ू। हाँ तो चलो पैदल जा सकते हैं ना, देखो सब कोई जा रहे हैं। कहाँ गया तुम? बीच में तो कहाँ था? क्या कर रही हो? देखिए देखिए पागल, लकड़ी लेके क्या करोगे? इसका दिमाग संतुलन बिगड़ गए हैं। तो देखिए हम लोग उस जगह से आए थे, तो चलो बाबू लौट चलो। रेड चार्ज रेट चार्ज कैसे ज्यादा लेगा? हम लोग तो दो स्किप कर दिए ना, उसका तो इसमें ही आता है। हाँ तो चलो देखो पानी करके जा रहे हैं। और मुझे ना मेरा स्लीपर टूट गया है, कल से मैं स्लीपर नहीं मिला मुझे। मैंने तो बोला था इसीलिए से सॉक्स पहन के आने के लिए, तो और मजा करते थे। क्यों मेरा हेयर इतना उलझ गया मेरे मंगलसूत्र के साथ, मेरा हेयर हाँ देख तो रहे हैं। ये रेत देखिए पूरा व्हाइट कलर का रेत है, वो है लाल कलर का, यानी कि जो सूजी होता है ना उसी का तरह कलर है। ये है सफेद सूजी, वो है रेड सूजी। वो देखिए पैदल पैदल आ रहे हैं, कुछ देर पहले नाव के साथ 20 रुपया एक एक जन का 20 रुपए करके 40 रुपीज लिया है इसको पार करने में। और अभी सबको आ रहा है, बाबू स्लीपर खुले ही नहीं, बोलो ना ना उनका काम तो स्लीपर टेमी हो गया छे। मेरा हेयर का सत्यानाश हो गया है, हाथ से स्लीपर तो खुले ही नहीं। इसका ये खोल दो, तुम तो खोल दो, मेरा नाक पीछे से दिखा। तो सुमित मेरा स्लीपर खोल दे रहे हैं। थैंक यू। देखिए पति होते ऐसा अपने बीवी का सेवा कर रहे हैं हनीमून पर, ऐसे ही तो हनीमून होता है ना। और मेरा हेयर का ना सत्यानाश हो चुका है। स्लीपर ये बॉस, स्लीपर ये बाबू। छोटा छोटा रेड कलर का है। तो इस बीच को, इस आइलैंड को टाटा बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी उदयपुर बीच में जाके थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स करेंगे हम दोनों मिलकर। तो अब तक ये देखिए बहुत सारा प्रॉन। तो चलिए ये देखिए छोटा छोटा, इसको पार करके जाना है। देखिए
ऐसा फीलिंग्स। तो ये देखिए कहाँ से जा रहे हैं, ये समुंदर का पानी है। जो नाव से गए थे ना, तो अभी पानी कम हो चुका है, इसीलिए पैदल पैदल जा रहे हैं। হ্যাঁ তো ওখান দিয়ে বাইক রাইড করলে ঠিক আছে। और एक बात आपको बताना ही तो भूल गई मैं, तीन दिन से आज 3 दिन हो गया ना बाबू, कम ही होगा। हाँ 3 दिन से आपको एक बात नहीं बताया, हम लोग तो मुस्लिम है ना, तो हम लोग को सिंदूर नहीं पहनते हैं, गले में मंगलसूत्र चूड़ा ये सब पहन सकते हैं, ठीक है। सिंदूर नहीं पहन रहे ना, जिस होटल में रुके हैं, तो पहले ना उन लोगों ने शक किया कि इसका केस शादी हुआ है क्या नहीं, शादी हुआ कि नहीं, ये सब कॉलेज फ्रेंड है, एक 2 रुपए का मंगलसूत्र और चूड़ा खरीद लिया है, बस पहन के अपने हस्बैंड वाइफ दिखला कर रेंट पे रह रहे हैं। तो मुँह के ऊपर तो नहीं बोल पा रहे हैं ना, तो ऐसे अपने 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 फ्रेंड को आधा बच्चे देखो, तो अपने अपने घर वाले को सब बता रहे हैं, देखो देखो इसका शादी नहीं हुआ है, लेकिन रूम रेंट पे नहीं देगा तो इसी देखो तो टाइम भाग से फोड़े शॉर्ट, तो इसीलिए ये सब बातें बता रहे हैं। सुमित वही बात लेकर मुझे बोल रहे थे कि बाबू ऐसे से हर किसी का कैसे कैसे नियत होता है ना, सोचने का तरीका भी अलग होता है। बाबू यहाँ से स्लीपर पहन लेते हैं, तो नहीं तो कचरा आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको मैं अगले वाले ब्लॉग में बता रही थी, सुमित का खाने के टाइम ध्यान कुछ अलग तरफ पे था, क्यों था किस लिए था, इसके कारण ये है कि लोग हमारे बारे में गलत बातें गलत फहमी बना रहे हैं, जैसे कि लोग सोच रहे हैं हम दोनों का शादी नहीं हुआ है इसीलिए सिंदूर नहीं पहना है, सिर्फ फ्रेंड है हम दोनों और हस्बैंड वाइफ दिखाने के लिए खरीद के मंगलसूत्र चूड़ा पहन लिया, इसके बारे में ही आपको बताना चाहती थी। तो अगले वाले ब्लॉग में आपने सुना ही होगा कि लोग ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, ठीक है। तो मैं गाड़ी में जाके बैठ के उसके बाद आपसे बात कर रही हूँ, सुमित के साथ कुछ बात करना है। तो फ्रेंड हमारा घूमना हो चुका है, अभी गाड़ी के अंदर आ चुकी हूँ, अभी जाएंगे Thank you.
तो फिर आ गए हैं सब कुछ घूम कर, अभी जाएंगे रूम पर, उसके बाद ड्रेस चेंज करके फिर दूसरी जगह जाएंगे। कहाँ जाएंगे ये आपको बता रहे दे रहे हैं लेकिन दिखाएंगे नहीं इस ब्लॉग पर। मैं देखिए हम लोग कितना अच्छा है वो पिकॉक हाँ उठ पाके उठ पाके उठ पाके उठ पाके ना ऐसा हाँ उठ पाके ना मोहना जोड़ी में उठ पाके। मोहना एक बच्चा का एक मूवी है, आपने देखा होगा तो अच्छा है, नहीं देखा तो देख लेना, बहुत अच्छा मूवी है मोहना का। उठ पाके ये तो उठ पाके वो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, अभी काम चल रहा है। तो देखिए सुनील का हालत, हाथों में जूता लेकर घूम रहे हैं। बाबू इस बार अभी क्या करोगे बोलो तो, स्लीपर पहन लेना और हाफ सॉक्स पहन लेना, ठीक है? हाफ सॉक्स पानी में बैठोगे ना, वहाँ तो पानी रहेगा ना बीच पर। आपको शॉर्ट है ना, तो तुम्हारा तो सूख गया है ना, धो दिया है मैंने। सूख गया था? हाँ। तो बस उस बीच पे जाएंगे बैठेंगे। तो अभी मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर दी एंड कर दूँ। ये दूसरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल को। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। तो बोलो चल, उसका हालत बेहाल हो गया है, भीग तो गए हो लेकिन ये हो गया पूरा। तो चलो बाय।